फास्ट फैशन मेंस किड्स व गर्ल्स शोरूम, रेनकोट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न लोवर के ढेर सारी वैरायटी में उपलब्ध। पता बस स्टैंड रोड दमोह। जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के सामने आज एक युवक व्यक्ति के द्वारा आत्मदाह करने की अफवाह से दिन भर हड़कंप मचा रहा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को कोतवाली लेकर आई, जहां उसे लिखित में लिया गया, जहां उसने कहा कि मैं ऐसा कोई भी प्रयास नहीं करूंगा, मैंने केवल पत्राचार किया था लेकिन मैं ऐसा कोई भी प्रयास नहीं कर रहा हूं। यह व्यक्ति जिसका नाम अभय शर्मा है, जौलपुर हाई कोर्ट में वकील हैं। इनकी पत्नी शिक्षिका हैं, जिनका 3 माह से वेतन नहीं आने के कारण इनके द्वारा इस प्रकार की बात की गई। इस संबंध में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। किस बात को लेकर के पुलिस आपके यहाँ कोतवाली पहुँचे? मुझे इसी ये आत्मदाह के कारण मुझे यहाँ पे लाया गया, मतलब लाया नहीं गया, मैं तो स्वयं आया हूँ, मेरी गाड़ी वो खड़ी है। अब मेरी शिकायत जो भी की हो भाई, बी एस साहब ने जिस स्तर से की हो, मेरे को तो नॉलेज है नहीं इस चीज़ का, तो मेरे से लिखित मांगा, मैंने लिखित दे दिया है उनको कि मैं आत्मदाह नहीं कर रहा हूँ, मैं कल या परसों कलेक्टर से स्वयं मिलूँगा और अपनी समस्या रखूँगा, और हो सकता है कि भाई जो सुबह शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारी आए थे वो भी मेरे साथ चले। वेतन नहीं मिलने की स्थिति में डीओ को कोई पत्राचार किया गया था, अगर वेतन नहीं मिलने की वजह से आत्मदाह की कोशिश? आत्मदाह से पूर्व में, आत्मदाह के लेटर से पूर्व मैंने मिला हूँ उनसे, जाके पर्सनली मिला हूँ मैं जाके उनसे, लेकिन पत्राचार नहीं किया ये बात सही, लेकिन मिला हूँ ये बात भी सही। क्या कुछ बातचीत? बस उनका कहना ये है कि जब भी मैंने मिला हूँ तो बोले ये टेक्निकल समस्या है, एक्चुअल में वो समस्या बता रहे हैं कि कंप्यूटर उस चीज़ को ले नहीं रहा, वो पिछले 3 माह से वो कंप्यूटर उस चीज़ को नहीं ले रहा। तो मैंने उनसे बोला था हालांकि कि भाई कोई जानकार व्यक्ति को बुलाइए जो इस चीज़ को कंप्यूटर को जानता हो, है ना, तो उनने भी हंसी में उड़ा दी चीज़, और फिर मुझे दुख व्यथित होकर बड़ा अकेलापन महसूस होके कि भाई मेरी पत्नी मुझसे 100 किलोमीटर दूर रहती है, वर्तमान में तो मैं उसके साथ में हूँ, लेकिन कल जब कोरोना चला जाएगा तो हम भी अपने क्षेत्र में अपने कार्य के लिए लौटेंगे, तो कम से कम ये डर का माहौल शिक्षकों के बीच ना रहे तो ज़्यादा अच्छा। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला। कोई बात हुई है डीओ से? आज उनका कहना ये है कि भाई हम कर रहे हैं प्रयास, डीओ नहीं, डीओ से नहीं हुई कोई बात। हाँ, डीओ कोशिश की गई, क्या मामला? हाँ, ऐसी सूचना सुबह व्हाट्सएप में डाली गई थी, तो मैंने विकास एवं शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी सूचना विधिवत जो है आप पुलिस में दें, ताकि उन पर जो है कार्रवाई की जा सके और ऐसी वारदात जो है रोकी जा सके। जहाँ तक वेतन का सवाल है तो वेतन जरूर जो है 3 महीने से अटका हुआ था, अभी हाल ही में बजट आया है, लेकिन मुख्य समस्या ये हो गई कि जुलाई में सभी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट लगता है, और चूँकि ये प्रोसेस कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड है पहले से ही, तो जैसे ही जुलाई का बिल जनरेट होता है उसमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट जो है जनरेट हो जाता है, लेकिन इस बार शासन के आदेश हैं कि वेतन वृद्धि जो है वो काल्पनिक दी जाएगी, वास्तविक वेतन वृद्धि का लाभ बाद में जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी COVID-19 की तब दिया जाएगा, इसलिए जो है वेतन वृद्धि नहीं मतलब लगाना है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि वेतन जो है पेबिल में जो है इंक्रीमेंट जनरेट हो रहा है, इसलिए कोषालय द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, अब ये इंक्रीमेंट को रिवर्ट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस भोपाल से होगी, वहाँ पर ये प्रक्रिया ऑलरेडी हो रही है, हम लोगों ने भी लिख के दिया है और ऑलरेडी वहाँ पर जो है ये प्रक्रिया चालू है, बहुत जल्दी ही ये इंक्रीमेंट की प्रॉब्लम हल हो जाएगी और ये पेबिल जो है ये लग जाएंगे और वेतन भुगतान हो जाएगा। अपने हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं अभय शर्मा जी, अभी आए हैं थाना, तो इनके द्वारा बताया गया कि हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं,
और हमारी पत्नी यहाँ पर शिक्षक हैं, तो यहाँ के जो बीओ साहब के द्वारा कुछ अनियमितता के कारण जो भी कारण हो इनको वेतन अभी नहीं दिया गया था, जिस कारण से हमने एक पोस्ट डाली थी आत्मदाह के संबंध में। और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, आत्मदाह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक लाना चाह रहे थे उनकी जानकारी में बीओ साहब की कि इनके वेतन निकलवाया, तो इस संबंध में लिख के दिया है। बीओ साहब के भी कथन ले लिए गए और उनके द्वारा बताया गया है कि वेतन कोतवाली में आके कथन दिए हैं वकील साहब ने, तो इस प्रकार की कोई आपदा वगैरह की वो नहीं, सिर्फ एक जानकारी वो देना चाह रहे हैं इनका कहना।